सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एश किंग ब्लॉग्स में। और आज का ये ब्लॉग काफ़ी दिनों के बाद में मैं शूट कर रहा हूँ, और काफ़ी टाइम से बिजी चल रहे थे जिसके चलते ब्लॉग्स वगैरह नहीं ला पा रहे थे। काफ़ी टाइम से बिजी चलने की वजह से हम ब्लॉग्स वगैरह रेगुलर नहीं ला पा रहे थे। तो हाँ, आप लोगों ने भी देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पर कुछ स्टोरी वगैरह कुछ भी नहीं थी, यूट्यूब पर भी कुछ अपडेट वगैरह नहीं था। लेकिन हाँ, अभी से फ्री हो चुके हैं तो फिर से हम अपना कमबैक करते हैं अपने ब्लॉगिंग लाइफ स्टाइल में। और आज एक प्यारा सा ब्लॉग शूट करके आपके लिए लेकर के आते हैं। और इस ब्लॉग के अंदर मैं कुछ नई चीज़ें आपको अपने ट्रांसपोर्ट नगर की मैं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्ट नगर में बजरंग चौराहे के पास में कुछ चीज़ें नई हुई हैं, तो आज के इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। और सस्पेंस रखते हैं, थोड़ा वीडियो में बने रही तो आपको मज़ा आएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा रहता है। और हाँ, अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करना, एक कमेंट ज़रूर छोड़ना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा रहता है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। अभी हम लोग आ चुके हैं अपने ट्रांसपोर्ट नगर के बजरंग चौराहे पर, जो मनकामेश्वर हनुमान मंदिर है वहाँ पर। और आइए आपको वर्चुअली टूर कराता हूँ इस मंदिर का, और एक एक चीज़ दिखाता हूँ कि इस मंदिर के अंदर में क्या क्या बदलाव आए हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हमारे इस मंदिर में नई मूर्तियाँ स्थापित हुई हैं। जैसे कि आप जान ही रहे हो कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा, यानी कि 22 तारीख को जो उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, ठीक इसी प्रकार आज से कुछ दिन पहले हमारे इस मनकामेश्वर मंदिर में भी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो आइए दिखाते हैं आपको वर्चुअली कि कैसा क्या अब हमारा मंदिर लगने लगा है देखने में। तो चलिए सारी चीज़ें दिखाता हूँ आपको धीरे धीरे करके, और आपको मज़ा आएगा इस पूरे के पूरे ब्लॉग में। बाकी हाँ, आज इस ब्लॉग में मेरे साथ में ज्वाइन कर रहे हैं बोले, और आइए दिखाता हूँ कि क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारे इस मंदिर के अंदर में। तो सबसे पहली चीज़ आप सामने देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर शिव जी का शिवलिंग, और हाँ ये बिल्कुल सेंटर में प्लेस्ड है मंदिर के। हाँ, और बाकी झूमर वगैरह लग ही चुका है, और काफ और भी चेंजेस आने वाले हैं, वो धीरे धीरे आपको देखने को मिलता रहेगा। बाकी आइए चलिए चलते हैं अब दरबार की तरफ और दिखाते हैं आपको मूर्तियाँ। बाकी गाइस, ये सामने में आप देख सकते हो मूर्तियाँ वगैरह जो कि स्थापित हो चुकी हैं, और पहले के मुकाबले काफ़ी सुंदर लग रहा है ये भगवान का दरबार। और हनुमान जी एज इट इज़ जैसे कि वही मूर्ति थी, सेम मूर्ति यहीं पर स्थापित हुई है, क्योंकि इसी की वजह से इस मंदिर को जाना जाता है। तो हाँ, ऐसा कुछ सीन हो चुका है। बाकी आप पीछे साइड में देखोगे तो काफ़ी अच्छा डेकोरेट करवाया है हमारे नीरज भैया जी ने, और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। जब आप कभी यहाँ पे आओगे, दर्शन करोगे, आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें और फील होगा। बाकी हाँ, और सारे और भी बदलाव आने वाले हैं हमारे इस मंदिर के अंदर में, तो आपको देखने को मिलेगा सारी चीज़ें। तो फिलहाल ये तो ब्लॉग के लिए हो गया। बाकी हाँ, रील्स वगैरह आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पर मैं इसकी रील्स वगैरह भी पोस्ट करने वाला हूँ, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी हाँ, अब यहाँ से चलते हैं, अपना जो काम हम लेकर के निकले थे उसको कंप्लीट करते हैं। बाकी हाँ, एक बार ही भगवान के दोबारा से दर्शन कर लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। और ये जो लास्ट हुआ था, मैंने यहाँ से एकदम ब्लैंक लिया है, चुटकी बजाते हुए भंडारा अपने सामने आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। अभी जिसने इंस्टाग्राम खोला होगा उसको एक धक्का लगा होगा। जी हाँ, मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम खोला और फेसबुक खोला तो वो नहीं चल रहा था, और अभी के टाइम पे ये नहीं चल रहा है। हो सकता है कुछ इश्यूज वगैरह चल रहे हो इंस्टाग्राम और फेसबुक के साथ में, काफ़ी लोगों का नहीं चल रहा है, तो इसलिए पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें टाइम के साथ अपडेट हो जाएंगी और सही हो जाएगी। बाकी अपना YouTube तो है ही है, YouTube पे वीडियोस वगैरह हम लोग बना ही रहे हैं, आप देखते हैं क्या होता है। कल की डेट में हमें पता चलेगा कि Instagram वगैरह कैसा क्या आगे रन करने वाला है कि नहीं, या फिर बंद हो जाएगा, ये सारी चीज़ें चलिए देखते हैं और अपडेट में बने रहिएगा। आगे यहाँ गाइस, जो लोग क्रिएटर्स लोग हो, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप अपना क्रिएशन जारी रखो यूट्यूब पर, तब तक वीडियोज़ पोस्ट करो जब तक ये चीज़ें फिक्स नहीं हो जा रही हैं। और जैसे चीज़ें फिक्स हो जाएंगी डाटा बचा के रखना, आप इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर सकते हो। तो हाँ, ये क्रिएटर्स लोगों के लिए हो गया। और हाँ, एक टाइम के लिए तो मुझे भी लगा कि हाँ यार, सारी मेहनत हो गई ज़ीरो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें कुछ समय के लिए थोड़ा सा रोकी गई हैं, और जैसे ही ये चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, कुछ बग्स वगैरह आए, ये चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, तो ये चीज़ें दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी। तो ठीक है,
ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ में आप जुड़ सकते हो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर छोड़ना कि इंस्टाग्राम नए चैनल पे आपको कैसा फील हुआ।